नमस्कार साथियों, वेरी गुड इवनिंग। एक नई वीडियो में फिर से मैं आपका दोस्त एंड होस्ट देवाशीष बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि आपसे 9 बजे के आसपास मुलाकात होगी, तो एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हैं। आई होप दिन भर में आप लोगों ने हमारे जो भी वीडियोज अपलोड हुए हैं दोस्तों, उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। और उसको देखने के बाद आप लोगों ने जो बातें हमने आपसे कही दोस्तों, कि हम आपके लिए शाम के वक्त जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उसमें कल लॉन्च होने वाले आदित्य L1 की जानकारी देनी है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं आदित्य L1, जो कि सूर्य की खोज और सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए कल इसरो की तरफ से भेजा जा रहा है। इस पूरे वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस मिशन को क्यों किया जा रहा है और ये कितने दिनों का मिशन है। तो चलिए, आई होप एक बार फिर से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही साइंस और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी खबरों को हम आपके सामने लाते रहते हैं। और साथ ही साथ, अगर पिछले वीडियोस को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, आप जाइए, हमारे तमाम पुराने वीडियोस को आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, आदित्य L1 की सफर को, तो दोस्तों आपको पता है कि कल 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो इसरो है वो अपने पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर रहा है। जी हाँ, जिसका नाम है आदित्य L1। और इसका लाइव टेलीकास्ट भी हम लोग आप लोगों के सामने कल दोस्तों 11 बजे से पहले जो है वो रखेंगे। तो आपको इसरो के ऑफिशियल साइट के साथ साथ हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल BK साइंस कोचिंग सेंटर पे भी लाइव कल मिल जाएगा। कल 11:50 से ये लाइव सेशन जो है आदित्य L1 की, इसकी शुरुआत होगी, तो उसको देखना आप लोग मत भूलिएगा। और दोस्तों चलिए, अब इस वीडियो में आपको जानकारी जो देने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आदित्य L1 की शुरुआत कब हुई। तो सबसे पहले आते हैं शुरुआत पर। 2019 में आदित्य L1 की जो एक तरह से प्रोग्रामिंग कहिए दोस्तों, या भेजने की तैयारी कहिए, वो इसरो के वैज्ञानिकों ने शुरू कर दी थी। और उस समय से लेकर के अब तक हमारे इसरो के वैज्ञानिक जो हैं इसमें कई बार बदलाव कर चुके हैं। और आदित्य L1 को भेजने का जो मिशन है दोस्तों, वो कल का ऐतिहासिक दिन रहेगा। कल यानी कि 2 सितंबर का ऐतिहासिक दिन होगा। 11:50 पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहां से इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और लगभग टाइमिंग जो है वो वही रहेगी, हम लाइव के जरिए भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ये जानना है कि 2019 में इसकी शुरुआत की हुई। तो दोस्तों आपको पता है कि सूर्य भी एक तरह से बहुत बड़ा ग्रह है, और साथ ही साथ जिस तरह से पृथ्वी के पिंड के साथ वो मिलकर के जो है साथ में रचना करता है, सूर्य ना होता तो न जाने कितनी तरह की बीमारियों का सामना हम लोगों को करना पड़ता। और सूर्य होता है तो तपिश भी होती है, सूर्य होता है तो हमें राहत भी मिलती है दोस्तों। तो सभी ग्रहों का ब्रह्मांड में होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सूर्य की और ज्यादा खोज और ज्यादा रिसर्च करने के लिए कल इस मिशन को भेजा जा रहा है। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक मिशन को पूरा मतलब पहुंचने तक में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगेगा। और अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि आखिर इसको क्यों भेजा जा रहा है। दोस्तों आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर आदित्य L1 मिशन को क्यों भेजा जा रहा है। तो दोस्तों मैं अपने तमाम वीडियोस में बार बार ये कहता हूं कि हम लोगों ने चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कराकर एक इतिहास रच दिया। ने भारत के जितने इसरो के वैज्ञानिक हैं जो इस मिशन पर लगे थे, उन लोगों ने एक अलग तरह का कारनामा कर दिया, जिसके बाद हमारे जो हौसले हैं दोस्तों वो और ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी आदित्य L1 मिशन है, उसके बाद हम गगनयान कर रहे हैं, और इसके बाद दोस्तों शुक्र का भी मिशन है हमारा, और बहुत सारा मिशन है जो आने वाले समय में आपके सामने हम वीडियो के जरिए लाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आदित्य L1 की। तो देखिए दोस्तों, लगभग 15,00,000 किलोमीटर दूर सूर्य से हमारा इंस्ट्रूमेंट, और उसके आदित्य L1 को भेजने का एक उद्देश्य है कि वहां पहुंचकर जो सूर्य की बाहरी परत है जिसका नाम कोरोना है, कोरोना वो वाला नहीं जो 19 और 20 में आया था, मैं वीडियो में आपको कहता ही हूं, तो बाहरी परत जिसका नाम कोरोना है उसका अध्ययन सटीक और सही तरीके से करने के लिए इस आदित्य L1 मिशन को भेजा जा रहा है। और दोस्तों अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि आखिर ये मिशन कितने दिनों का है। तो दोस्तों जो खबरें मिल रही है, जो नेशनल चैनल या जो प्रमुख अखबारें हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग 14 महीने का ये वक्त लगेगा जब हमारा ये जो सैटेलाइट है, ये हमारा जो अंतरिक्ष यान है,
वो सूर्य की कक्षाओं पर प्रवेश करेगा और वो वहां पर मॉनिटरिंग करेगा, वहां पर वो रहेगा और उसके साथ वो पूरा रिसर्च करेगा, साथ ही साथ क्या कुछ और नई चीजें हम इंसानों को मिल सकती हैं, क्या कुछ और नई बातें जो है हम लोगों को मिल सकती है, उन तमाम चीजों को जो है वो पता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये प्रमुख अखबार है, तो आदित्य L1 का जो चैलेंज है या फिर इतनी दूरी है जो मैंने कहा था आपको 15 लाख किलोमीटर जो है ये है और लगभग देख सकते हैं कि 125 डे का ये पूरा तरह से जर्नी जो है वो रहेगा। तो इसके बारे में भी जैसे जैसे आगे जानकारी मिलती जाएगी आदित्य L1 की, क्योंकि कल लॉन्च होना है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से और जहां से हमारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उसी पवित्र जगह से लॉन्च किया जाएगा और जिस तरह से हम लोगों ने चंद्रयान को जो है वो सक्सेसफुली चांद की सतह पर लैंड करा गया और आपको पता है कि अभी हमारा जो विक्रम लैंडर है रोवर है वो पूरी तरह से चांद की सतह पर मूव कर रहा है, नई नई जानकारियां हासिल कर रहा है, वैसे ही दोस्तों आदित्य L1 को भी भेजा जा रहा है ताकि वो नई जानकारियों को इकट्ठा करे और हम लोगों को। तो कल से एक वीडियो या दो वीडियो जरूर आदित्य L1 की सफर पर रहेगा। फिलहाल मैं एक बार फिर से इस वीडियो को अंत करने से पहले कहना चाहूंगा आप लोग कल का लाइव सेशन देखना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए एक इतिहास की बात है, एक ऐतिहासिक बात होगी और साथ ही साथ कल हम 11:50 पर ये लाइव सेशन आपके सामने रखेंगे और आप फिर से इस मिशन को बहुत धन्यवाद दीजिए। और जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूं, अगर आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं अगर अच्छा लगा आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो अब सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर कल लाइव के जरिए, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार।